हम जा रहे हैं। नहीं पता, आप आगे नहीं जा सकते। कुंवर प्रताप, हमने जाने पता। कुंवर प्रताप, हमने कहा नहीं पता। हम कह रहे हैं हम इस विस्फोट में मरने वाले थे। लगता है इस पूरे क्षेत्र में बारूद बिछाया हुआ है धरती में। यदि ऐसा है तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे कई और विस्फोट करवा के क्या? हाँ पता, कुछ पत्थर इकट्ठे कीजिए। पत्थर? हाँ, जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए जी। और हाँ, ध्यान से। दीजिए छोटी माँ, भोजन के समय पहनने के लिए कितने जोड़े रखवाए जा चुके हैं? चार। किस समय कौन सा जोड़ा पहनना है? इसमें सहायता करने के लिए तो होंगे ना हम भाभी जी के पास। चांद, इसमें हम आपके मान जीजा से सहमत हैं। इतने वस्त्र आदि लेके जाने की क्या आवश्यकता है, जबकि आपकी भाभी सा यहाँ पर कुछ ही दिनों में खुद आने वाली है, अपने इस घर में, अपने इस महल में। मान जीजा, हमें चिकोटी तो काटना, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम सच में बिजोले जा रहे हैं जब भाभी जी को लेने। अब हम भी काटेंगे। अरे अरे, कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा कोई सपना सच नहीं हो रहा। अच्छा तो तब होता जब भूतनी बिजोलियां नहीं चलती हमारे साथ, पर ऐसा तो हो नहीं रहा, वो तो आएंगी। मान, आप दोनों रानी माँ के साथ जा रही है ना? अच्छा, अपनी भाभी सा को क्या कोई उपहार नहीं देंगी आप? ये सब छोड़िए, ये सब हम कर लेंगे। आप जाइए राज के स्वर्णकार से पायल और कंगन ले लीजिए उनके लिए। वहीं रुक जाओ, जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस बारूदी घेरे को अच्छे अच्छे पार नहीं कर पाए,
तुम उसे पार करके हमारे इलाके में बड़ी आसानी से आ गए। सुभान अल्लाह। कभी कभी शत्रुओं से बचाव के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखाएं संभावित मित्रों को भी जला सकते। कौन हो तुम? जैसा कि तुम दावा कर रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें सख्त सख्त चिढ़ है नफाजियों से। हम हैं मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह और हम आपके लिए मैत्री का संदेश लेकर आए हैं। क्या आप हमारे साथ आएंगे? तुम्हारी ये मजाल हमारे साथ साथ ऐसी जरूरत करने की हिम्मत कैसे की तुमने? हमने इतनी गोलियां दागी ना तुम डरे ना ही तुम्हारी आंख झपकी। जान देने की ख्वाहिश रखते हो क्या? नहीं नहीं, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो फिर जीवन भर के लेकर और वो भी हम पे एक ऐसे शख्स पे जो मुसलसल तुम पे गोलियां दाग रहा है। हमने सुन रखा है कि आकिम खान का निशाना कभी चूकता नहीं, इसलिए जब पहली बार आपने हम पर गोली चलाई और उसने हमें छुआ तक तो हम समझ गए कि हमें मारना आपका उद्देश्य नहीं। इसी बात ने भरोसा दिया। और जब हमने पहली गोली दागी ही नहीं थी, तब कैसे ऐतबार किया तुमने हमारा? हमें पूर्ण विश्वास है कि एक सच्चे राजपूत की भांति ही एक सच्चा पठान भी किसी निहत्य और निरपराध पर वार नहीं करता, उसे मार नहीं सकता जो उसके पास मित्रता की बात लेकर आया। तुम कैसे कह सकते हो कि हम एक सच्चे पठान हैं और एक पठान हान एक राजपूत से दोस्ती करेगा? ऐसा कैसे समझ लिया तुमने? हम तुम्हें हमलावर नहीं लगते क्या? नहीं नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल और आप में यही तो मूलभूत अंतर है कि जहां मुगल विभिन्न आक्रमणकारी होते हैं, निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, जनसाधारण को लूटते हैं, वहीं आप अपनी धरती और उनके लोगों से प्रेम करते हैं, अपने वचन के पक्के विरोचित गुणों के स्वामी। भला कोई अपनी जिंदगी के साथ साथ ऐसे खतरा उठाता है जैसे तुमने किया? वो वीर ही क्या जो संकटों से नाखे। माशाल्लाह कुंवर प्रताप, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर जहीन करिश्माई शख्सियत। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कोई मदद नहीं मिलेगी तुम्हें। रुके आकिम खान, हम आपको सहयोग देने के लिए आए। हम दोनों का एक ही शत्रु है, वो मुगल। उस शत्रु के विरुद्ध हमारा आपसी सहयोग हम दोनों के लिए लाभदायक। उन मुगलों के विरुद्ध आपको मेवाड़ की पूरी सेना का साथ मिले, जिससे आप सफलतापूर्वक अपनी प्रजा अपने लोग और अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकें। फकत एक दुश्मन होना दोस्ती के लिए वाजिब जमीन नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर आप ही बताइए क्या आधार होना चाहिए हमारी मित्रता। पीढ़ियों से हम अफगान और तुम राजपूत दुश्मन है एक दूसरे के और दुश्मन ही रहेंगे। फिर मुगल एक बार हम निपट चुके हैं उनसे, दोबारा मौका मिला तो फिर से देख लेंगे। और अब तुम चले जाओ यहां से। जैसी आपकी इच्छा।
आकिम खान, आकिम खान। चलिए बताइए, बता। अभी चंद लम्हों पहले ऐतबार की बातें कर रहे थे ना तुम। यही हकीकत है हमारी। हम दोनों के बीच में सिर्फ सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम जा सकते हो प्रताप। आकिम खान ने तुम्हें बख्श दिया। जाओ जाओ। जब देखे ससुराल में पांव पड़ते ही जीजा हम सबको छोड़कर इस महल को छोड़कर चली गई। हे माँ, ये एक ही बात बार बार हमें हमें मन ही मन खाए जा रही है कि हमसे ये अपराध हो गया था। हमारी वजह से कुंवर प्रताप और अजंते अलग हो गए। आपको शत शत प्रणाम। आप एक बार फिर से उन्हें मिला रही हैं। क्यों झूठ बोल रही हैं? क्यों देवी जी से झूठ बोल रही हैं? आज तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इन्हें क्षमा कर दीजिए देवी जी। इतने वर्षों से जो ये करती आई है आज फिर से वही करने बिचौलिया जा रही हैं। एक और बार कुंवर प्रताप और अजब दे के बिछों का कारण बनने जा रही है। क्या? सौभाग्यवती, आपका भाई अभी कुछ समय पहले और आकर चुपचाप हमारे पीछे खड़ी हो गई। एक बार बोल देती। हम चुपचाप ये दृश्य देखना चाहते थे कि कैसे हाथों में तलवार लेने वाली, अश्वारोहण करने वाली, वीरता से बिजोलिया की रक्षा करने वाली बाईजीलाल कुंवर प्रताप से मिलने की चाह में कैसे सजी सवरी सुकुमारी सकुचाती कोमल भावनामयी राजकुमारी अजबदे में परिवर्तित हो स्वयं को भिन्न भिन्न रंगों में डुबोती न जाने किसका चित्रण कर रही है। ये चित्रण हम अपनी प्रिय सखी सौभाग्यवती के दीर्घ एवं मंगल वैवाहिक जीवन की कामना के लिए कर रहे हैं। इस कपड़े पर आपके लिए हमारी ये शुभकामना कितनी सुंदर लग रही है ना? आपके गौने के उपहारों के संग ये भी आपके संग चित्तौड़ जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी स्मृतियों के भांति भी इसे अवश्य संभाल कर रखेंगे। नहीं नहीं अजब दे, ये हम नहीं ले जाएंगे। क्यों? ये आप अपने पास रखिए। अपने हाथों से लिखित शुभकामनाएं शीघ्र ही आपका और कुंवर प्रताप का पुनर्मिलन करवाएंगे। ये
ये आप क्या कह रही हैं जीजा? हम तो बिजोलिया जा ही नहीं रहे, फिर उन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? और भला हम ऐसा करेंगे ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहज है वीर भाई जी, क्योंकि हम चाहते हैं। नहीं जीजा, बहुत दिनों के बाद कुंवर प्रताप के जीवन में प्रसन्नता वापस लौट रही है। हम आपकी किसी भी बात में नहीं आएंगे, अब हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो कि करने योग्य ना हो। कम से कम हमारे सामने तो ये नाटक मत कीजिए। हम जानते हैं कि आपको कुंवर प्रताप की प्रसन्नता की कितनी चिंता है। जिस माँ से कुंवर प्रताप को सबसे अधिक प्रेम और स्नेह मिलता था, आप ही थी ना, जिसके कारण उनकी वो माँ इस महल को छोड़कर चली गई। कुंवर प्रताप की माँ जयवंता बाई जी की बात कर रहे हैं हम, वीर बाई जी, समझ रही है ना? आप ही के कारण इस महल को छोड़कर गई थी ना वे? नहीं नहीं जीजा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं कैसे किया कुछ आपने? इतनी जली कटी आप ही ने तो सुनाई थी जीजा को, तभी तो गई है महल छोड़कर। आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली है, हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान को खुशियां कभी ना देनी। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। और आपको बचाने के लिए हमने सारा दोष अजबदेव पर डाल दिया। हमारी पत्नी मेवार की महारानी, हमारी सुख दुख की सच्ची साथी, ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। और आज जब अवसर आया है तो आप हमारे उपकारों को बुला रही हैं। कितनी सहायता की थी आपकी हमने, की थी ना वीर भाई जी? बदले में आपसे क्या मांगा था? सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि अजबदे इस महल में फिर कभी पाँव ना रख पाए। पर जीजा, राणा जी ने बिजुलिया आपको जाने के लिए कहा है, हमें नहीं। इस बात की चिंता आप क्यों कर रही हैं? हमने कह दिया राणा जी से कि हमारी प्रिय बिंदनी के स्वागत के लिए हमें सारी तैयारियों का ध्यान रखने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा, और राणा जी हमारी बात मान गए। इसलिए हमारी प्रिय प्रिय सौतन जी, बिजुलिया तो आप ही को जाना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं आपसे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, हजब इस महल में वापस आ गई तो हम धक्के मार के निकाल देंगे आपको इस महल से। हम क्या, राणा जी निकाल देंगे, आपके प्रिय कुंवर प्रताप निकाल देंगे, जिनके लिए आपके मन में इतना प्रेम छलक रहा है। नहीं सौभाग्यवती, इसे हमने आपके लिए बनाया है, ऐसे मना नहीं करते। हम जानते हैं जब भी कुंवर प्रताप से ये बिछो भीतर ही भीतर आपको खाए जा रहा है। अच्छा बाबा, ठीक है, आप जीती और हम हारे, इसे हम अपने ही पास रखेंगे। अब प्रसन्न? आपसे पहले ही कह रहे थे कुंवर प्रताप कि इस पागल हकीम खान के पीछे अपना समय और अपना श्रम व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, वो तो आपने हमें रोक लिया, अन्यथा उसी क्षण हम उससे आपका प्रतिशोध ले लेते हैं। क्यों वहां वो हकीम खान आपका अपमान करे और हम उससे आपका प्रतिशोध लेने की बात तक नहीं कर सकते? शांत हो जाइए पत्ता, शांत। क्या आप कुछ सुन पा रहे हैं? क्या अश्व की टापों का स्वर, और हम दूर से कई अश्व दौड़ते हुए चले आ रहे हैं।
कुंवर प्रताप, ये मुगल सेना तो लगता है सासाराम की ओर जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे गुप्तचर ने हमें सही सूचना दी थी। वहां आगरा में बैठा वो मुगल पूर्ण प्रयास कर रहा है हाकिम खान को अपने साथ मिलाने का। हमें तो लगता है कुंवर प्रताप कि ये मुगल सासाराम पर आक्रमण करके वहां सब कुछ नष्ट कर देंगे। अब हाकिम खान को पता चलेगा आपका मैत्री प्रस्ताव ना स्वीकार करने का परिणाम। कुंवर प्रताप, अब हम चित्तौड़ चलते हैं। यहां ये मुगल जाने और हाकिम खान जाने, हमें क्या। इन मुगल सेना ने हाकिम खान अफगानी को अपने साथ मिला लिया तो फिर बड़ा संकट बन जाएगा राजपूताना के लिए।